सो हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी दोस्तों। आज इस वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूँ कि व्हाट्सअप होम स्क्रीन पर अपना फ़ोटो किस तरह से लगाएंगे, जैसे कि मैंने लगा रखा है। दोस्तों इस वीडियो में आपको सिखाने वाला हूँ, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। दोस्तों अगर इस वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, लाइक के साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा, और साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, और साथ ही मेरे इंस्टाग्राम आईडी को वहाँ जाके आप फॉलो कर सकते हैं, तो इसका डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है। तो दोस्तों इस वीडियो दोस्तों को सबसे स्टार्ट पहले करते मैं हैं। आपको बता दूं चलिए कि दोस्तों जी वीडियो बी को व्हाट्सएप या स्टार्ट। एफएम व्हाट्सएप को आपको डाउनलोड करना है, तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। तो डाउनलोड कर देने के बाद आपको ओपन करना है व्हाट्सएप को। व्हाट्सएप ओपन कर देने के बाद आपको इस तरह से पेज ओपन होगा, तो आपको जाना है थ्री डॉट पर। डॉट पर क्लिक कर देने के बाद आपको जाना है एफएम मोड पर, क्लिक कर देना है। क्लिक कर देने के बाद आपको यहाँ पर दिखेगा एफएम थीम्स के नीचे यूनिवर्सल, यूनिवर्सल पर आपको क्लिक कर देना है। और कलर्स पर आप क्लिक कर देने के बाद आपको यहाँ पर इस तरह से पेज ओपन होगा, तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है बैकग्राउंड, यानी चेंज कलर ऑफ बैकग्राउंड, डिफ़ॉल्ट एज वाइट, आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। क्लिक कर देने के बाद आपको यहाँ पर थ्री ऑप्शन आएगा, सॉलिड कलर और ग्रैंड कलर्स और फोटो, यानी फ़ोटो पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक कर देने के बाद यहाँ से आपको फ़ोटो, कोई सा भी एक फ़ोटो आपको ले लेना है। जैसे कि मैंने एक फ़ोटो, इस फ़ोटो को मैंने सेलेक्ट किया। सेलेक्ट कर देने के बाद इस तरह से आपका प्रीव्यू दिखाएगा, और इस यहाँ पर आपको सेट वॉलपेपर पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक कर देने के बाद इस तरह से आपका व्हाट्सएप पर होम स्क्रीन पर आपका फ़ोटो सेव हो जाएगा। दोस्तों मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ कि इस तरह से आपका व्हाट्सएप पर होम स्क्रीन पर आपका वॉलपेपर लग चुका है। तो इस तरह से आप अपने व्हाट्सएप पर, यानी अपने व्हाट्सएप होम स्क्रीन पर अपना फ़ोटो लगा सकते हैं। तो इस वीडियो में अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, लाइक के साथ साथ मेरे चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही।